बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में, फोर्थ एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पाइप में फ्लो करने वाले फ्लूइड की स्पीड को हासिल कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर की जो डिवाइस है हमारे सामने, उसकी एक पिक्चर बनी हुई है। दो तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, एक ऐसा वेंचुरीमीटर जिसके अंदर बैरोमीटर्स लगे होते हैं जो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और एक ऐसा जिसके अंदर विदाउट बैरोमीटर हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे ऐसे बैरोमीटर से, ऐसा वेंचुरीमीटर से जिसके अंदर बैरोमीटर अटैच हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, इसको हम इस तरह से अटैच करते हैं कि फ्लूइड इसमें से मूव करता है, ठीक है, और यहाँ से मूव करता है वो बाहर जाता है। अब ज़रा इसकी वर्किंग को देखें। इसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A1 है। उसके बाद इसका पाथ अगर नैरो हो जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होकर A2 हो जाता है। जब फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी मान लीजिए वो V1 वेलोसिटी है, ठीक है। और ये फ्लूइड मूव करता हुआ जब यहाँ से पास करता है, तो आपको पता है कि जब भी एक पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो उसमें से गुजरने वाला फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ा देता है। जैसे पानी अगर स्लोली गिर रहा है पाइप से, तो आप थंब रख के उसका एरिया कम कर देते हैं तो पानी ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जब एरिया रिड्यूस होता है तो फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है। अब इसकी नई वेलोसिटी कितनी है, V2। ओके, यहां पर वेलोसिटी V1 थी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और ये कम वेलोसिटी है। जब आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा A2, तो यहां पर फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेता है और नई वेलोसिटी इसकी क्या है, V2। ओके जी, अब हमारे पास यहां पर बैरोमीटर अटैच है। जब आपको पता है बर्नौली इक्वेशन आपने सीखी कि जब फ्लूइड अपनी वेलोसिटी को कम रखता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है। यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी कम है, यहाँ पर बैरोमीटर के अंदर जो प्रेशर की रीडिंग आएगी वो ज़्यादा मिलेगी, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ओके, और यहाँ पर जब फ्लूइड कम क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरता है तो डेफिनेटली उसका, क्योंकि वेलोसिटी उसकी बढ़ गई है, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन जब फ्लूइड अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है तो उसका प्रेशर लो हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रेशर की वैल्यू, बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो कम मिलेगी, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जी किस तरह से हम इसकी हेल्प से वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। याद रखें जी, V1 वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ इसमें फ्लूइड इंटर हो रहा है, ये वो वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी के लिए हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना है और इस वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये भी याद रखें कि बैरोमीटर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसकी हाइट जो है वो हर पॉइंट से सेम रहती है, ठीक है, उसकी हाइट हर पॉइंट से रहती है सेम, ठीक है। तो इस पॉइंट हाइट को सेम रखने की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज है वो नहीं आता, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज इसमें नहीं आता। तो चलिए जी, फाइंड करते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम बर्नौली इक्वेशन को। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन है जी हमारे पास P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, ठीक है। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द वन एंड इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो V2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH1, ठीक है, ये H2 वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जी हमें बर्नौली इक्वेशन। अब ये जो टर्म है, ये टर्म है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पॉइंट नंबर 1 पे, और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पॉइंट नंबर 2 पे, यानी इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ, हाइट दोनों तरफ सेम है, इसलिए जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है वो दोनों तरफ सेम है, रो GH1 इज इक्वल्स टू रो GH2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब आता है जब फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, अब वो सेम हाइट पे ही फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसलिए यहां पर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये टर्म दोनों तरफ से आपने काट देनी, इधर से भी और इधर से ये आपने कट कर देंगे, ठीक है, ये टर्म आपके पास नहीं होगी, ठीक है। फिर पीछे क्या बचेगा जी हमारे पास, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये टर्म खत्म हो गई। यहां पर P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर, ये और ये टर्म खत्म होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दें इसको।
ओके जी, प्रेशर को एक तरफ ले आते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, पी वन माइनस हो जाएगा इधर आके पी टू, एंड दैट इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, उधर पहले से पड़ी हुई है वन बाय टू रो वी टू का स्केयर, और माइनस ये वाली टर्म आके हो जाएगी वन बाय टू रो वी वन का स्केयर। ओके जी, अब ये हमारे पास जो एक रिलेशन आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं, इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पी वन है और पी टू है, दोनों प्रेशर हैं, बैरोमीटर आपको दोनों प्रेशर की रीडिंग देते हैं, यानी आपको ये वैल्यू पता चल जाती है। वन बाय टू इज अ कॉन्स्टेंट, रो इज अ डेंसिटी, जो फ्लूड इसमें से मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी को आप नोट कर लेंगे, रो इसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो वी टू और V1, बाकी चीज़ें आपको पता हैं, मिल जाएंगी आपको। अननोन है एक V2 और एक V1, आपने फाइंड क्या करना है, जिस वेलोसिटी से ये वेंचुरी मीटर में फ्लूइड इंटर हो रहा है वही इसकी फ्लोइंग स्पीड होगी, यानी V1 आपको फाइंड करना है, V1। तो V2 आपको पता नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं है, जब तक आपको V2 यहां पर निकालेंगे नहीं आप यहां से, तब तक आपको V1 की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी एक इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज होती है तो आप किसी एक की भी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, फिर आपको किसी और इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है किसी तरीके इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो हमने यहां V2 को पहले उड़ाना है तब हमें V1 मिलेगा। तो कैसे यूज करेंगे जी, हम इसको कैसे उड़ाएंगे, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहती है, ए वन वी वन इज इक्वल्स टू ए टू और वी टू, ठीक है। ओके जी, अब यहां पर ए वन ए टू हमें पता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर है वो ए वन है, वहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए टू, इसकी वैल्यूज भी हमें पता होती है। अब यहां पे ना हम वी टू को खत्म करने के लिए वी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से निकाल के, वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन बाय सॉरी ए वन बाय ए टू इंटू वी वन, ये रिलेशन आ गई जी, वैल्यू आ गई आपके पास V2 की, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए जी, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू वन बाय टू रो, और अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए V2 की, ये V2 का स्केयर है ना, तो इन सब वैल्यूज का स्केयर आ जाएगा, A1 का स्केयर, A2 का स्केयर, साथ में V1 है तो V1 का भी स्केयर आ जाएगा, राइट। ये आपने सब की वैल्यूज पुट कर दी, V2 का स्केयर की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास ये वाली नेक्स्ट टर्म 1 बाय 2 रो V1 का स्केयर एज इट इज रहा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V1 रह गया, V2 एलिमिनेट हो चुका है। अब हम V1 के लिए रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, इसके अंदर 1 बाय टू, 1 बाय टू कॉमन है तो आप 1 बाय टू कॉमन ले लें, इसमें डेंसिटी कॉमन है, डेंसिटी भी कॉमन ले लें, इसके अंदर V1 का स्केयर, V1 का स्केयर कॉमन है, V1 का स्केयर भी कॉमन ले लें। अब उसके बाद पीछे बचा क्या, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, ये बच गया ए वन का स्केयर और ए टू का स्केयर, माइनस के पूरा पूरा कॉमन चला गया तो यहां पर वन आएगा फिर ऐसे। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, पी वन माइनस पी टू, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू वन बाय टू रो वी वन का स्केयर, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ए वन का स्केयर माइनस ए टू का स्केयर डिवाइडेड बाय ए टू का स्केयर, एलसीएम देना आपको आता है। अब देखें जी, हमने क्या करना है, वी वन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो इसको इक्वल के एक तरफ, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, वी वन के स्केयर को इधर ही रखते हैं, बाकी चीज़ें वन बाय वन उधर लेके जाते हैं, टू डिवाइड हो रहा है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू पी वन माइनस पी टू, ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये ए टू का स्केयर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब जरा देखिए जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इधर आके डिवाइड होंगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके हो जाएगी जी डिवाइड, ए वन का स्केयर माइनस ए टू का स्केयर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वी वन के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए वन का स्केयर माइनस ए टू का स्केयर। ओके जी,
ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब क्योंकि हमें तो वी वन की वैल्यू चाहिए, ये वी वन का स्क्वेयर है, तो सिंपली आप स्क्वेयर रूट ले लेंगे यहाँ पर। वी वन इज इक्वल्स टू, इधर आपके पास स्क्वेयर रूट आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे, इसका स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, टू पी वन माइनस पी टू इन टू ए टू का स्क्वेयर, राइट, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास डेंसिटी इन टू ए वन का स्क्वेयर माइनस ए टू का स्क्वेयर। ओके जी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। लेकिन याद रहे कि ये रिलेशन आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वेलोसिटी की, जब आपके पास इस तरह का वेंचुरी मीटर हो जिसमें ऑलरेडी बैरोमीटर अटैच है। P1, P2 की वैल्यू आपको पहले से पता होती है क्योंकि आपने यहाँ पर पुट करनी है, बैरोमीटर बता देता आपको। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का वेंचुरी मीटर है जिसके अंदर बैरोमीटर अटैच नहीं है, इस तरह से आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर किस तरह से आप प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो आपको प्रेशर P1 और P2 की वैल्यू चाहिए होगी, तो बैरोमीटर तो आपने अटैच नहीं किया, फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फिर तरीका ये है कि देखिए, यहाँ पर पहले आपको ये बता देता हूँ प्रेशर में डिफरेंस होगा और वो क्यों होगा। यहाँ पर जब फ्लूइड मूव करता हुआ जा रहा है, सेम प्रोसीजर जैसा यहाँ पर था, एरिया ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, इसकी वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लूइड का लेवल ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जब ये यहाँ से फ्लूइड मूव करता हुआ नैरो पाइप में से गुजरेगा, यहाँ पर एरिया कम हो गया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी के बढ़ने से यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, इसलिए यहाँ पर फ्लूइड इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जाएगा, इतनी हाइट पर रहेगा P2। यहाँ पर का प्रेशर जो है वो कम होने की वजह से P2 रहेगा, क्यों? वेलोसिटी ज़्यादा है। बर्नौली ने कहा था कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम रहेगा, जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये आपके पास यहाँ पर दो लेवल आ जाएंगे लिक्विड के, ठीक है। अब सेंटर से लेकर यहाँ तक आपने ये हाइट फाइंड कर ली, उसको H1 कह दें, इसकी सेंटर से यहाँ तक हाइट को आप H2 कह दें, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो H से शो कर दें, H1 माइनस H2। अब हमें प्रेशर चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है P1 P2 की, जो कि हमें बैरोमीटर देता था। अगर बैरोमीटर नहीं है तो वो प्रेशर हमें चाहिए, तो आपने प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू रो जी एच क्लास नाइन्थ के अंदर। इस तरफ जो प्रेशर है वो क्या होगा हमारे पास, P1, तो P1 बराबर होगा रो जी एच वन के बराबर। इधर का प्रेशर जो है वो क्या होगा, प्रेशर P2, और उसकी वैल्यू होगी रो जी एच टू के बराबर। अब रो जी एच वन रो जी एच टू, ये आपके पास प्रेशर है इधर का और इधर का, ठीक है। ओके जी, ये दोनों वैल्यूज आपने ना यहाँ पर पुट कर देनी है, तो आपके पास रिलेशन चेंज हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसको मैं दोबारा से रीअरेंज करके लिखता हूँ, वी वन इज इक्वल टू, ये देखिए ये ए टू का स्क्वेयर था ना, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहां पर टू पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय रो इन टू ए वन का स्क्वेयर माइनस ए टू का स्क्वेयर। अब ये जो ए टू का स्क्वेयर था इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ए टू रह जाएगा क्योंकि स्क्वेयर रूट से बाहर आ गया, उसका स्क्वेयर खत्म हो गया। ओके जी, अब आपने क्या करना है, P1, P2 की वैल्यू फाइंड करनी जो आपने यहां पर रखी हुई है, ठीक है, रो जी एच वन और रो जी एच टू, वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ए टू मल्टीप्लाई बाय टू रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रो इंटू ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए जरा यहां पर ये V1, इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब इसमें रो जी कॉमन है, तो आपने ये करना है A2 मल्टीप्लाई बाय 2 रो जी, भाई ले लिया जी H1 माइनस H2 यहां पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, राइट। अब देखें इधर भी रो है, इधर भी रो है, कैंसिल हो गए। यहां पर क्या था, A2 मल्टीप्लाई बाय इधर रह गया 2 ये G, और H1 माइनस H2 किसके बराबर था, ये देखिए ये हाइट है H1, ये हाइट है H2, और H1 H2 का डिफरेंस क्या है, ये हाइट H कहलाता है, ये H है वो हाइट, तो H1 माइनस H2 की जगह पे आप लिख देंगे जी H डिवाइडेड बाय
आपके पास आ जाएगा ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। तो ये एक आसान सा रिलेशन आपको मिल गया, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हाइट एच है ना, इसके अंदर वो हाइट क्या है, इन दोनों लेवल का डिफरेंस चाहिए, ये हाइट एच है। ये एच की वैल्यू अपने यहाँ पुट करनी है, जी की वैल्यू 9.8, 2 तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ए वन ए टू हमारे पास क्या है, ये ए वन यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ए टू यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी वैल्यू आपको पता होती है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ये भी ए टू की वैल्यू है, तो आसानी से आपको वी वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।